खाती हूँ कि भून लेती हूँ उसकी पेट। अच्छा आज मेरे किचन में बन रहा है वेज पुलाव, मैं बनाऊंगी। ये मैंने गोश्त डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जी? थोड़े ठीक ठाक हो? खैर खैरियत ना लो। अच्छा मेरा व्लॉग मैंने कल से स्टार्ट किया था और कल मैंने बनाया था वेजिटेबल पुलाव, मटन पुलाव। तो उसके मैंने थोड़ा सा बस इससे क्लिप लिया था, उसका पूरी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की। और यहाँ पर मैं आज सुबह बना रही हूँ, ये मैं आज की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी सिरी पाए, और सबसे पहले चाय के बाद मैंने सिरी पाए चढ़ा दिए थे क्योंकि इनके गलने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये है कि दोपहर तक ये बन जाए। तो यहाँ पे मैंने सिरी पाए को धो के उन्हें रख दिया था चूल्हे पे पानी डाल के अच्छा खासा। और उसके बाद मैंने फ्रेश धनिया बनाया था, और फ्रेश धनिया कूट के उसमें लहसुन अदरक और फ्रूट चाट बस मैंने लिए हैं, कुछ मैंगो। खांसी हो रही है क्योंकि उधर सिरी पाए बन रहे हैं ना। साथ में मैं डाल दूंगी थोड़े से अंगूर। अच्छा नमक, मिर्च, हल्दी डाल के मैंने सिरी पाए तो रख दिए थे गलने के लिए, लेकिन यह है कि दोपहर के टाइम में बच्चों को भी कुछ खाने को चाहिए होता है, और क्योंकि सिरी पाए बहुत देर से बनते हैं तो फिर मैंने फ्रूट पड़े थे तो वो ख़राब होने लग जाते हैं। इस तरह ये है कि वो खाए जाते हैं और इनका पता नहीं घर जैसे ही रेडियो भी ठीक पड़े होते हैं, जैसे घर लाएं इनके गलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो पता नहीं ये कैसे वो इतनी देर नहीं बिकते तो कैसे स्टोर करते हैं, नहीं समझ आती। लेकिन घर आने से तो इनका लगता है कि जैसे गले हुए होते हैं, तो इनको फिर ऐसे ही खाया जा सकता है, वरना भूल जाती हूँ और पड़े रहते हैं, यही पता लगता है ख़राब हो गए, फेंक देते हैं। तो ये तो रिस्क ज़ाया करने वाली बात हुई ना। तो मैंने आजकल ये स्टार्ट किया हुआ है कि मैं फटाफट से कोई ना कोई फ्रूट चाट बना लेती हूँ ताकि इस तरह मेरी चीज़ें कम से कम फ्रूट ज़ाया नहीं होते और खाए जाते हैं। तो खाना बनने में देर थी तो इस वजह से फिर मैंने ये बना लिए। दो खीरे मैं लाजमन इसमें काटूँगी क्योंकि मुझे खीरे बहुत पसंद हैं। चाहे बच्चे साइड पे कर देते हैं, बच्चे क्या सिर्फ रुमान, मेरी फातिमा तो खा लेती है लेकिन रुमान साइड पे कर देता है, हालांकि उसे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। बस वक्त के साथ समझ आ जाएगी, कुछ बातें होती हैं जो पेरेंट्स समझाते रहते हैं, अक्ल में नहीं पड़ती। हमारे भी ऐसा था लेकिन अब अक्ल में पड़ती है, ख़ुद ब खुद आ जाती है, खुद ब खुद हर चीज़ की समझ आती है कि हाँ वाकई ये बात ठीक कह रहे थे, जो हमें समझ नहीं आ रही थी आज वो समझ आ रही है कि ये बात ठीक की थी। तो समझाते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें खीरे भी काट दिए हैं, मैंने एप्पल भी काट लिए हैं, और केले पड़े थे वो भी गलने लग गए थे वो भी काट दिए, अंगूर भी डाल दिए। आम मैं लेके आई थी, आम भी बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं क्योंकि मौसम के नहीं है तो आउट ऑफ सीज़न है, तो ये बहुत जल्दी गलने लग जाते हैं। तो ये सफ़ेद चौंसा अभी भी मिल रहा था, मैंने एक जगह पर देखा तो मेरा बड़ा दिल किया तो मैंने ये ले लिए। अभी आम, अंगूर, केला और सेब इनको मैं काट दूंगी, और अंगूर जो है वो साफ साफ वो निकाल के वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ में मैंने बॉईल किए थे काले चने। काले चनों का बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, तो वाइट से भी ज़्यादा इनका टेस्ट होता है, और सुना है कि इनकी वाइट से भी ज़्यादा इसमें गज़ायत होती है, तो ये भी मैं इनमें डाल दूंगी। और आजकल ये वाले माल्टे आए हुए हैं, कच्चे सब्ज वाले माल्टे आए हुए हैं, इनका क्या टेस्ट और क्या इनमें विटामिंस हैं, इतने मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन ये आए नहीं है मुझे मिले, बस एक ही बस मुझे मिला है, तो वो भी मैं इसमें निचोड़ दूंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ख़ासतौर पर छिल्ली पे और चाट में बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी निचोड़ लूँगी, थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी मैं चाट मसाला, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी हनी। शहद बहुत अच्छा लगता है ख़ासतौर पे फ्रूट चाट में। वैसे तो चीनी डाल देते हैं, एक चम्मच चीनी डाल देते हैं, लेकिन अगर शहद पड़ा तो शहद डाल दें, खजूर पड़ी है तो खजूर डाल दें। खजूर मैंने आज नहीं डाली, भूल गई, तो शहद डाल दी। खैर ये मेरा हो गया है तैयार।
अभी यहाँ पे मेरा सालन भी बिल्कुल भुनाई पे आ गया है और चाट मैंने बना के उसे फ्रिज में रख दी है और इसको मैं अभी भून लूँगी। ये गल गए हैं तकरीबन, इन्होंने हड्डी छोड़ दी है, तो मैंने इसमें सिर्फ खुश्क धनिया और लहसुन डाला था और उसके बाद इसमें नमक मिर्च हल्दी तो वो डाल दिया है। गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि गरम मसाला डालने से ये काले पड़ जाएंगे तो रेड रेड अच्छे लगते हैं। तो अभी इनकी भुनाई कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा नीचे लगने देते हैं क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मसाला जो है धनिया और सूखा धनिया और लहसुन, तो ये है कि वो आपको ऊपर कच्चे कच्चे तैरते नज़र नहीं आएंगे, वो अच्छे से गल जाएंगे और मिक्स भी हो जाएंगे। तो अब ये तकरीबन मेरा डन है और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और पानी हमें इतना चाहिए कि बस इसका शोरबा बनाना है क्योंकि गलाने वाला प्रोसीजर जो है वो इसका तकरीबन ख़त्म है। अभी हम सिर्फ इतना ही पानी डालेंगे कि ये बस इसमें उबाल आ जाए, अच्छे से पानी का कच्चापन ना हो, ये पानी अलग और पोटियाँ अलग ये ना हो, बस शोरबा तैयार हो जाए तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। और अभी मैं कूट लूँगी फ्रेश गरम मसाला, सारा गरम मसाला रखा हुआ डब्बी में वो मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि मुझसे वो बस मेरा वहम है अच्छा नहीं बनेगा, तो फ्रेश ही कूट के। तो अभी गरम मसाला इसमें ऐड करती हूँ, एंड है इसका, तो इसमें ये सालन मेरा हो जाएगा तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी आज मैं हुई हूँ तैयार और मैंने जाना है आज किसी के घर, और दादी ने और मैंने मिलके जाना है क्योंकि हम दोनों को इनवाइट किया है, न्यू यूट्यूबर हैं हमारी। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार, घर का काम मैंने कंप्लीट किया है। आज खाने में मैंने बनाया था सिरी पाए, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, तो वो जब सारे घर के कंप्लीट काम करके तकरीबन 3 का टाइम है, तो हम अभी यहाँ अभी हम निकल पड़े हैं और अभी हम पहुँचेंगे नादी के घर में और वहाँ से नादी भी तैयार ही होगी तो वहाँ से फिर जाएंगे उनके घर। तो स्टिल गर्मी है अभी, मौसम वैसे का वैसे ही है। अच्छा ये सुना है तो ए फॉर एप्पल, एप्पल तो सुनाओ, एप्पल। अभी हम रास्ते में ही हैं और अभी हम पहुंच जाएंगे नादी के घर, बस थोड़ा सा फासला है और उसका घर भी तकरीबन बस थोड़े से फासले पर ही है, लेकिन हम वहां पे पहुंच गए हैं और वहां पे अगर हो सका तो मैं वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी। और अभी नादी को, मनाल को, इन सबको हमने पिक कर लिया, तो अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं और आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।